हेलो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए आज के लेसन की शुरुआत करेंगे लेसन को पूरा देखिएगा अगर वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा आज का पहला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्शन ए रोम प्रोग्राम ऑप्शन बी सिस्टम बोर्ड ऑप्शन सी अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव क्वेश्चन नंबर टू अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द कंपाइलर लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम नन ऑफ द एबव अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव दो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन नंबर थ्री एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इन टू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर आर कंसिडर्ड इनपुट आउटपुट स्टोरेज इंफॉर्मेशन एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इन टू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर आर कंसिडर्ड सो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनपुट ओके क्वेश्चन नंबर फोर द राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप इट्स सेल्फ विल ऑप्शन ए शो अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू ऑप्शन बी ओपन द कंट्रोल पैनल ऑप्शन सी ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव द राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप इट सेल्फ विल अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइए सो so, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओके क्वेश्चन नंबर फाइव द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और री स्टार्टिंग आ कंप्यूटर सिस्टम बाई लोडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन टू द कंप्यूटर मेमोरी स्कॉड ऑप्शन ए पैडिंग ऑप्शन बी बूटिंग ऑप्शन सी सी पी एस ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव दोस्तों ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसा कि हाल ही में एस एस सी का पेपर होने वाला है तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बूटिंग क्वेश्चन नंबर सिक्स डैश इज नोन एज अनऑथोराइज एक्सेस इन टू अदर सिस्टम ऑप्शन ए डिस्क्रिप्शन ऑप्शन बी ट्रैफिकिंग ऑप्शन सी हैकिंग ऑप्शन डी इंस्क्रिप्शन डैश इज नोन एज अनऑथोराइज एक्सेस इन टू अदर सिस्टम क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैकिंग ओके क्वेश्चन नंबर सेवन वेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम द डिजाइन द डैश स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम ऑप्शन ए प्रोग्रामर ऑप्शन बी इंड यूजर ऑप्शन सी सिस्टम एनालिस्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव वेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम द डिजाइन द डैश स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूट प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिस्टम एनालिस्ट दोस्तों अगर आप वीडियो के क्वेश्चंस पसंद कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए जहां भी आपका स्टडी ग्रुप है क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीफेरल डिवाइसेज डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन टू अ यूजर ऑप्शन ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज कीबोर्ड मॉनिटर सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइसेस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू यूज़र। क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉनिटर दोस्तों अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जहां पर आपको सारे वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है आप वहां से क्लिक करिए टेलीग्राम हमारे ज्वाइन करिए जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी क्वेश्चन नंबर नाइन बैंड विथ टू ऑप्शन ए द कॉस्ट ऑफ द केबल रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट अ लैंड ऑप्शन बी द कॉस्ट ऑफ द केबल रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट अ वैन ऑप्शन सी द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम ऑप्शन डी द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड स्टोर अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइए बैंड विथ टू यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओके द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आ कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द कंप्यूटर कीप्स रिबूटिंग इट्स सेल्फ इट इज लाइकली दैट ऑप्शन ए इट डज नॉट हैव इनफ मेमोरी ऑप्शन बी इट इज इफेक्टेड विथ वायरस ऑप्शन सी इट नीड्स आ सी डी रोम ऑप्शन डी देयर इज नो प्रिंटर इफ द कंप्यूटर कीप्स रिबूटिंग इट्स सेल्फ इट इज लाइकली दैट रिबूट क्यों होता है कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर टेन का राइट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इट इज इफेक्टेड विथ वायरस ठीक है जब वायरस इफेक्टेड होता है कंप्यूटर तो रिबूटिंग होता है क्वेश्चन नंबर इलेवन डिवाइसेस दैट इंटर इंफॉर्मेशन एंड लेटेस्ट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर

फैब्रिकेटेड ऑन अ सिलिकॉन चिप ऑप्शन बी आ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ऑप्शन सी आ इंटीग्रेशन डिवाइस ऑप्शन डी नैन ऑफ द एबव सो यहां पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए फैब्रिकेटेड ऑन अ सिलिकॉन चिप क्वेश्चन नंबर थर्टीन दोस्तों वीडियो के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप हमारे और भी कॉमर्स कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज देखिए मैंने आपके लिए काफी ज्यादा वीडियोज प्रोवाइड किया है कंप्यूटर के इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप वहां जाके देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है अ प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट वर्ड प्रोसेसिंग प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ डिवाइस यूज फॉर बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए राइट आंसर ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फुल फॉर्म ऑफ डी एन एस ऑप्शन ए डोमेन नेम सर्विस ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम ऑप्शन सी डायरेक्ट नेटवर्क सर्विस ऑप्शन डी डायरेक्ट नेटवर्क सिस्टम यहां पे आपको बताना है डीएनएस का फुल फॉर्म सो यहां पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम एंड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन टेबल्स ग्राफ फाइल्स द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इन टू राइट आंसर ऑप्शन ए इन्फॉर्मेशन ठीक है सो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं तो आप हमारे और भी कंप्यूटर से रिलेटेड कॉमर्स अकाउंट्स सारी वीडियोस देखिए आप हमारे लाइक करिए कमेंट करिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वीडियो पसंद आए तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत